नमस्कार। साहित्य की आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे हिमाचली भाषा रेमन के साझा काव्य संग्रह की। पहाड़ी काव्य संग्रह वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ है विकल्प प्रकाशन से, और जिसका संपादन और प्रकाशन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस काव्य संग्रह में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला के 30 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है, और इसी श्रृंखला में जो हमने साहित्यिक श्रृंखला शुरू की है, इसमें आज जिस साहित्यकार जिस लेखिका की रचना का पाठ मैं आप सभी के समक्ष करूंगी, उनका थोड़ा सा परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूं। आज की हमारी लेखिका हैं आदरणीय श्यामा जैन जी। ये वर्तमान में कोश लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और निरंतर लेखन में भी सक्रिय हैं, और लेखिका जो है सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, और जीवन के छोटे छोटे पलों को कैसे जिया जाए यही संदेश समाज के लिए हमेशा अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से देते रहते हैं। लेखन में जैसा मैंने बताया निरंतर सक्रिय हैं, पहाड़ी और हिंदी दोनों में लेखन करते हैं, और समाज के लिए एक संदेश देने का एक जो पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक सोच के साथ कैसे जिया जाता है, उस दिशा में इनका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए इन्हीं की कविता अपना बाठिया हिमाचल पहाड़ी में है। बर्फ रो नदी रा बोल हिमाणी, बर्फ रो नदी रा बोल हिमाणी, जिथे वास कर अस भोल बर्फाणी। नदी नाले कर कल कलाहट और कलकल से असो अपना हिमाचल। पहाड़ों रे वीर महापुरुष इथे, देवी देवता आकर बसे इथे, से असो अपना हिमाचल। सेब नाशपति रे बाग, कुकड़ी कड़ोई साथे साग, हर कुछ मेल हर खान पान, हर कुछ मेल हर खान पान, से असो अपना हिमाचल। धाम इथिरी पहचान, धाम इथिरी पहचान, सिद्धू पकवान और नाम, जीव मोए थू फूल और फूल, से असो अपना हिमाचल। भोले वाले थरे लोग, भोले वाले थरे लोग, कपट नहीं मीठे तिनारे बोल, जिथी हंसी खुशी काटो हर पल, से असो अपना हिमाचल। कांगड़ा मंडी शिमला किन्नौर सोलन कुल्लू, हिमाचल रे सिरमौर, सूरज नया उगता लगा हर पल, से असो अपना हिमाचल। उन्ना बिलासपुर हमीरपुर री एबे अलग पहचान, उन्ना बिलासपुर हमीरपुर री एबे अलग पहचान, चंबा स्पीति लाहौल ब्यासा मेरे हिमाचल रिशान। इत्थे फौजी वीर जवान, जिथे किसान भी जोतो हल, से असो अपना बांठिया हिमाचल, से असो अपना बांठिया हिमाचल। तो ये इनकी पहाड़ी कविता, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और ये हमारा जो साहित्यिक श्रृंखला का प्रयास है ये भी आप ज़रूर पसंद करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और हिमाचल के जितने भी कवि इस पहाड़ी साझा काव्य संग्रह में सम्मिलित हैं, कोशिश करूंगी कि सभी की रचनाओं का पाठ आप सभी के समक्ष करूं, और यदि आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो ये शिमला के किताब घर में भी उपलब्ध है, साथ ही साथ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, तो आप वहां से भी इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। और हिमाचल के साहित्यकारों लेखकों और कवियों की रचनाओं को पढ़कर हिमाचली भाषा के संरक्षण और समर्थन की दिशा में जो प्रयास हम सभी को मिलकर करना है, उस दिशा में आप भी अपना सहयोग ज़रूर दें। और हिमवाणी फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, हिमालयन ग्लोबल विलेज यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप ज़रूर हमारा साथ दें। आप अपने वीडियोस हम तक भेज सकते हैं, अपनी कविताएं, पहाड़ी रचनाएं, हिंदी, आप जो भी जिस भी विधा में लिखते हैं आप ज़रूर हम तक साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक, दर्शकों तक आपकी रचनाएं पहुँचे। हमारा यही ध्येय है कि जो हिमाचल का साहित्य है, लेखक है, कवि है, उनकी रचनाओं को हम
गांव की मुंडेर से विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास इस पटल के माध्यम से करेंगे। तो आज के साहित्य श्रृंखला में बस इतना ही। नमस्कार।